हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल रियल नोट पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेन के किसी कोच में इस तरह के पीले या सफेद कलर के स्ट्रिप क्यों लगाए जाते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे में कुछ चीजों को समझाने के लिए एक विशेष तरह के सिंबल को यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रैक के किनारे लगे सिंबल, प्लेटफॉर्म में सिंबल। इन सभी सिंबल के जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर एक व्यक्ति को उस चीज के बारे में बताने के लिए जरूरत ना पड़े, बस इस सिंबल को देखकर उन्हें समझ आ जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के कोच में भी एक विशेष प्रकार के सिंबल का यूज किया जाता है। दोस्तों, ब्लू ICF कोच पर और कुछ कुछ LHB कोच में भी कोच के आखिरी में खिड़की के ऊपर येलो या व्हाइट कलर की एक लाइनें लगाई जाती हैं, जो कि वास्तव में इस कोच को अन्य कोच से अलग करता है, जो कि एक द्वितीय श्रेणी के अनरिजर्व कोच को इंडिकेट करते हैं। दोस्तों, जब स्टेशन पर ट्रेन आती है तब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसको जनरल कोच कहाँ है इस बात की कंफ्यूजन होती है, वैसे लोग इस पीले या व्हाइट कलर की स्ट्रिप को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यही जनरल डिब्बा है। इसी तरह से लोकल ट्रेन में हमारी जो एमू ट्रेन्स होती है उनमें लाल और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स ट्रेन के लेडीज कोच को रिप्रेजेंट करता है और ट्रेन में ग्रे कलर के ऊपर रेड कलर की स्ट्रिप फर्स्ट क्लास या ट्रेन के फर्स्ट कोच को और लास्ट कोच को रिप्रेजेंट करता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो फिर वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।